ऐ अल्लाह, ऐ हमारे रब, ऐ कौनो मकान के मालिक, हम तेरी बारगाह रहमत में दुआ के लिए हाथ उठाए हुए हैं, हम पर करम फरमा। ऐ अल्लाह, हमारे बुजुर्गों ने तेरे नाम और तेरे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम लेवाओं के लिए, बर्रे सगीर में सरजमीन के लिए बाबाए कौम कायद आजम की क्यादत में बेहिसाब कुर्बानियां दी हैं। हमारी इस सरजमीन पाक को कयामत तक आबाद रखना। ए अल्लाह, हमें नफरतों की आग से बचा ले, हमें बाहमी मोहब्बत और खुलूस की दौलत अता फरमा, हमारी गलतियों को माफ फरमा। हम अपने गुनाहों से तौबा मांगते हैं, हमारी तौबा कबूल फरमा। ए अल्लाह, पूरा मुल्क खास तौर पर ये मासूम बच्चे तेरी बारगाह रहमत में दुआ के लिए हाथ उठाए हुए हैं। ए अल्लाह, इन मासूम बच्चों की दुआओं के तुफैल इस सरजमीन पाक को आने वाली नस्लों के लिए महफूज और मुबारक कर दे। ए अल्लाह, इन मासूम बच्चों की दुआओं के तुफैल हमारे मुल्क को अमन का गहवारा बना दे। ए अल्लाह, दुश्मनों के शर से हमें महफूज रख। हमारा ये परचम, हमारा ये प्यारा परचम इज्जत और कामरानी के साथ रहती दुनिया तक सरबलंद रखियो। ए अल्लाह, अपने रहम और करम से और अपने फजल से इस सरजमीन पाक को मादनियात और कुदरती वसाइल से मालामाल फरमा दे। ए अल्लाह, ए हमारे परवरदिगार, पाकिस्तान के हर शहरी का दिल तासुब, गिरोहबंदी और फिरका परस्ती के घनाओने ख्यालात से पाक हो और वो हर फिरके और हर तबके के भाइयों के साथ मोहब्बत व आश्ती और अमन सुकून के साथ रहे। ए अल्लाह, हम सबको हलाल की रोजी हासिल करने की तौफीक अता फरमा।